नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ADA टेस्ट की प्रोसीजर कैसे की जाती है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल कलर का बटन दबाएं। ADA टेस्ट यानी कि एडिनोसाइन डीअमाइनेज टेस्ट, ये ट्यूबरक्यूलोसिस की कंफर्मेशन की टेस्ट है। ये टेस्ट प्लूरल फ्लूइड यानी कि लंग्स के आजू बाजू में कभी कभी टीबी में जो फ्लूइड जमा होता है उसके ऊपर टेस्ट ये की जाती है और उसमें फ्लूइड में ADA की मात्रा की पहचान लेती है। ADA यानी कि एडिनोसाइन डीअमाइनेज ये शरीर में पैदा होने वाला एक एंजाइम है। ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है और ये लिम्फोसाइट्स आगे इन्फेक्शन को मात देता है। अगर आपको ADA टेस्ट की ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे ADA टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस जरूर देखें। ADA टेस्ट जैसे मैंने कहा प्लूरल फ्लूइड यानी कि लंग्स और प्लूरा के बीच में होने वाले फ्लूइड को निकाला जाता है और उसमें ADA की मात्रा पहचानी जाती है। ये फ्लूइड एक सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है। कभी कभी USG यानी कि सोनोग्राफी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस फ्लूइड को विड्रॉ करने के लिए। ये एक आउटपेशेंट प्रोसीजर है लेकिन आपके डॉक्टर आपको स्थिर रहने के लिए जरूर कहेंगे। इस टेस्ट में चेस्ट में एक पतली नीडल इंसर्ट की जाती है और फ्लूइड निकाला जाता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कई दफा सोनोग्राफी की भी सहायता ली जाती है। ये एक स्पेशल टेस्ट है और इसीलिए इस टेस्ट का रिपोर्ट आने के लिए कभी कभी 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस आपको लेने नहीं पड़ते, कोई स्पेशल प्रिपरेशन आपको करना नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट करते समय यानी कि फ्लूइड निकालते समय आपको बहुत स्थिर रहना पड़ता है और कई दफा आपके डॉक्टर आपको सांस रोकने की भी सलाह दे सकते। अगर आप लंबी लंबी सांस लेंगे या फिर आप टेस्ट करते समय हिलेंगे, मूवमेंट्स करेंगे तो इंजरी बढ़ सकती है। प्लूरल फ्लूइड निकालने की इस पूरी प्रोसीजर को थोरैकोसेंटेसिस बोलते हैं और ये थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर ADA टेस्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। थोरैकोसेंटेसिस से काफी सिमिलर प्रोसीजर होती है पेरिटोनियल फ्लूइड को विड्रॉ करना, जिसमें से पेट में अगर कोई फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ हो उसे निकाला जाता है। ब्रेन की टीबी कंफर्म करने के लिए CSF यानी कि ब्रेन में मौजूद हुए फ्लूइड को निकाला जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है। उस फ्लूइड में ADA की मात्रा पहचानी जाती है। ADA की नॉर्मल रेंज 40 यूनिट पर ML से कम होती है। अगर उससे ज्यादा पाई जाए तो आपके शरीर में टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर और कुछ टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। लेकिन ADA टेस्ट की सेंसिटिविटी 78% की है, इसीलिए ये टेस्ट कभी कभी कुछ कुछ इन्फेक्शंस मिस कर सकता है और इसीलिए कई बार 40 से कम अगर ADA की मात्रा हो तो TB पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जाता। ADA की लेवल्स यूजुअली किसी भी चीज की वजह से कम ज्यादा नहीं होती। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो शायद ये मात्रा कम हो सकती है, लेकिन कुछ अन्य बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ADA की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि सार्कोइडोसिस और लिम्फोमा। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें भी ADA की मात्रा बढ़ती है। प्रिसाइज और एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस टेस्ट को एक जेन्युइन और अच्छी लैब में से करवाएं। अगर आपको अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की
लिंक पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।